मेजर ध्यानचंद एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तो मेजर ध्यानचंद जो थे स्वतंत्रता हमें प्राप्त होने से पहले हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। इंडियन हॉकी टीम वोन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी। उनके नेतृत्व में बर्लिन ओलंपिक्स जो था जर्मनी में, तो 1936 में इंडियन टीम ने गोल्डन मेडल जीता था। तो हिटलर जो उस समय चांसलर थे जर्मनी के, तो वो इतने इम्प्रेस हुए थे मेजर ध्यानचंद से कि उन्होंने उनको ऑफर दी थी कि आप जर्मनी के टीम से खेलिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दी वो ऑफर। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रीवियस इंडियन हॉकी टीम्स इन 1928 एंड 1932। तो उन्होंने 1928 और 32 में भी ओलंपिक्स में खेला था, विच प्लेड एट ओलंपिक्स एंड वोन गोल्ड मेडल्स। 29 अगस्त द बर्थ डेट ऑफ ध्यानचंद इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। तो 29 अगस्त जो है वो हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिन के तौर पर मनाया जाता है। ही वॉज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, मतलब हॉकी के जादूगर। ही वॉज ऑनर्ड विथ अ पद्म भूषण इन 1956। तो 1956 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, जागतिकीकरण हो रहा है हर एक चीज का, तो खेल में भी जागतिकीकरण हो रहा है, वैश्विकीकरण हो रहा है। द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द 20th and 21st century वॉज नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलकूद जो है ये क्षेत्र भी ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हो चुका था। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो आजकल तो आपको पता है कि किसी भी टीम में, किसी भी देश में अगर मैचेस चल रही है फुटबॉल की या क्रिकेट की या लॉन टेनिस की या किसी दूसरे भी खेल की, तो आप घर बैठे टीवी पर या इंटरनेट पर वो कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। द सिटीजन्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय दीज मैचेस। तो जो देश उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं है, उन्होंने जो देश उनमें सहभागी नहीं है, वो देश भी ये मैचेस देखकर एंजॉय कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वॉज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड कप जो है जो जीता था इंडियन क्रिकेटर टीम ने, वो पूरी दुनिया में, अभी देखिए अमेरिका में जो भारतीय है वो भी देखते हैं, पूरे दुनिया में जो भारतीय है वो क्रिकेट फैंस वो सारे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। स्पोर्ट्स फैंस स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी। तो इससे खेलकूद का जो अर्थशास्त्र है, जो आर्थिक व्यवहार है, जो इकोनॉमी है, उससे भी काफी, उसमें भी काफी बदल हुआ है, बदलाव आया है उसकी रचना में, क्योंकि किसी भी खेल के जो फैंस हैं, प्रशंसक हैं, वो पूरे विश्व में कहीं पर भी फैले हुए हैं। फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज लुक एट इट एज गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर। तो फैंस जो होते हैं वो मैचेस किस लिए देखते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मजा लेने के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती है, कई सारी इंडस्ट्रीज, वो ये मैचेस की तरफ कैसे देखते हैं, कमर्शियल फायदे की तरफ देखते हैं, अपने मार्केटिंग करने के लिए। जैसे कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके ऊपर जो क्रिकेट टीम की जर्सी होती है उसके ऊपर कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जाते हैं, या फिर जो बाउंड्री होती है ग्राउंड की बाउंड्री, उसके ऊपर कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जाते हैं डिजिटल बोर्ड्स पर। तो ऐसे मार्केटिंग की जाती है। और घर बैठे आप जब मैचेस देखते हैं, तब जब ब्रेक आता है तब कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, तो ये जो होता है उससे उनको कई सारा फायदा होता है। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कॉमेंटेटर्स। तो जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें भी फायदा होता है, जैसे वो कॉमेंट्री कर सकते हैं, ठीक है। गेम मटेरियल्स एंड टॉयज, द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। तो जो भी वस्तुएं लगती है, जो भी साहित्य लगता है खेल के लिए, उन्हें बोलते हैं टॉयज, खिलौने जिसे कहते हैं।
क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस, जो हड़प्पा मोहनजोदारो ये जो मतलब सिंधु नदी की सिविलाइजेशन है, सिंधु नदी की सभ्यता है, और जो सरस्वती नदी की सभ्यता है जो हरियाणा में भी पाए गए हैं एक्सकैवेशंस, उनमें कई सारे मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं। दीज टॉयज वेयर फैशन आइदर बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स। ये जो खिलौने थे वो हाथों से बनाए गए थे, या तो हाथों से बनाए गए थे या फिर उन्हें सांचे में डालकर बनाया गया था। डॉल्स आर मेंशन्ड इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर, पुरातन भारतीय साहित्य में, पुरातन भारतीय ग्रंथों में गुड़ियों का, गुड्डों का काफी बार उल्लेख किया गया है। अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रक इज नेम एज मृच्छकटिक, इट मीन्स अ लिटिल क्ले कार्ट। एक संस्कृत नाटक है शूद्रक ने लिखा हुआ, जिसका नाम है मृच्छकटिक, जिसका अर्थ होता है एक छोटी खिलौने वाली मिट्टी की बनाई हुई गाड़ी, बैलगाड़ी बोलिए या कौन सी भी गाड़ी, तो उस पर एक नाटक आधारित है। मतलब उतने पुरातन काल से हमारे यहाँ पर खिलौने अवेलेबल थे। डू यू नो, कथा सरित सागर हैज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ गेम्स एंड टॉयज। हमारा एक संस्कृत ग्रंथ है पुराना कथा सरित सागर, जिसमें कई सारे डिस्क्रिप्शंस है इंटरेस्टिंग खेलों के, खिलौनों के। देर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लाइंग डॉल्स, उसमें यह बताया गया है पुरातन काल में कि फ्लाइंग डॉल्स थी, मतलब उड़ने वाली गुड़िया गुड्डे थे। इट मेंशंस दैट ऑन प्रेसिंग अ की सम डॉल्स यूज टू फ्लाई, सम यूज टू डांस एंड सम यूज टू मेक साउंड्स। मतलब कुछ गुड़िया जो थी वो बटन दबाने के बाद उड़ा करती थी, उड़ने वाली थी, कुछ नाचती थी और कुछ आवाज करती थी अलग अलग। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे पुरातन भारत में। लेट अस फाइंड आउट, इन इंडिया देर आर रीजनल ट्रेडिशंस ऑफ मेकिंग डॉल्स। हमारे भारत में अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग परंपराएं हैं डॉल्स बनाने के। जैसे कुछ रीजन्स में मिट्टी के डॉल्स बनाए जाते हैं, कुछ रीजन्स में आपने देखा होगा कि डॉल के अंदर छोटी डॉल, उसके अंदर और छोटी डॉल, उसके अंदर और छोटी डॉल, ऐसे एक के अंदर एक डॉल्स होते हैं। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र वेर नोन एज ठकी। लेट अस फाइंड आउट अबाउट अदर रीजन्स वेयर डॉल्स वेर मेड और आर स्टिल बींग मेड। लेट अस ऑल्सो फाइंड आउट द लोकल नेम्स ऑफ सच डॉल्स। तो कई सारे ऐसे डॉल्स है, आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। टॉयज एंड हिस्ट्री, टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टॉयज जो होते हैं, खिलौने जो होते हैं, वो हमारे प्राचीन समृद्ध इतिहास पर रोशनी डालते हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में जो हमारे टेक्नोलॉजी थी, तंत्रज्ञान का जो विकास हुआ था, वो भी बताया जाता है। कैसे, आपने अभी देखा मृच्छकटिक में लिटिल क्ले कार्ट के बारे में बताया गया है। मतलब उस पुरातन काल में भी, मतलब नियरली 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले, हमारे देश में चक्री, मतलब चाक जो होता है, उसका इन्वेंशन हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुआ था, ये हमें पता चलता है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू देम। तो कई सारे, मतलब जैसे भातुकली का खेल है, मैरिज करने का, गुड्डा गुड़िया का वेडिंग जिसमें करवाया जाता है, तो उससे हमें हमारे कल्चरल्स का पता चलता है। जैसे मराठी ट्रेडिशनल मैरिज कैसे होती है सेरेमनी, वो पता चलता है। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट आर मेड। मतलब महाराष्ट्र में दिवाली के दौरान जो है किले बनाए जाते हैं, गढ़ बनाए जाते हैं, ठीक है। क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। तो मिट्टी के छोटे छोटे इमेजेस बनवाए जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके मावड़े जो थे और प्रजा जो थी, उनके जो पशु थे, गाय वगैरह, बैल, घोड़े वगैरह, उनके भी छोटे छोटे मॉडल्स रखे जाते हैं उन पर। दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। इससे क्या होता है, महाराष्ट्र के इतिहास में जो किलों का, गढ़ किलों का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है महाराष्ट्र के इतिहास में और स्वराज्य की स्थापना में, उनकी मेमोरी हमें होती है, उनकी याद की जाती है।
उनका स्मरण हमें होता है. एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकैवेशन ऑफ पॉम्पेई एन एंशिएंट इन इटली, इस सिटी इन इटली. मतलब आइवरी मतलब हस्तिदंत जो होता है, हाथी का दांत, अभी उस पर पाबंदी है हस्तिदंत के वस्तुओं बनाने पर. लेकिन पुरातन काल में हस्तिदंतों की कई सारी शोभादायक वस्तुएं बनाई जाती थी. तो जो भारतीय कलाकारों ने बनाई थी हस्तिदंतों की गुड़िया, वो पॉम्पेई नाम के एक इटली के पुरातन शहर में एक्सकैवेशन में पाई गई है. मतलब हमारी वस्तुएं उस समय इतने दूर दूर तक हमारा व्यापार चलता था, ये हमें पता चलता है. इट इज डेटेड टू फर्स्ट सेंचुरी सी कॉमन एरा, मतलब पहली शताब्दी. उतने पुरातन काल में भी हमारा यूरोप के साथ इतना ज्यादा व्यापार हुआ करता था. दिस आर्टिफैक्ट थ्रोज लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस. उससे हमें पता चलता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार जो होता था उसके बारे में हमें पता चलता है. दस टॉयज फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस कैन टेल अस अबाउट कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन नेशंस इन एंशियंट टाइम्स. तो खिलौने से हमें ये भी पता चलता है कि पुरातन काल में जो सांस्कृतिक लेन देन हुआ करती थी देशों के बीच में, साम्राज्यों के बीच में, संस्कृतियों के बीच में, वो हमें पता चलता है. स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स. देखिए, स्पोर्ट्स पर जो भी साहित्य लिखा गया है, ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई है, जो मूवीज बनाए गए हैं, उसके बारे में अब देखते हैं हम. पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ स्पोर्ट्स इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज. जो किताबें लिखी जा रही है, पुस्तकें लिखे जा रहे हैं, एनसाइक्लोपीडियाज लिखे जा रहे हैं, मूवीज बनाई जा रही है, ये नया व्यवसाय बन गया है खेलकूद पर. द हिस्ट्री ऑफ मल्लखाम हैज बीन रिसेंटली पब्लिश्ड. तो मल्लखाम का इतिहास जो पुस्तक है वो अभी पब्लिश किया गया है. देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज पर भी एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है. सम इयर्स एगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन नेम्ड षटकार. कुछ वर्षों पहले एक स्पोर्ट्स मैगजीन हुआ करता था, उसका नाम था षटकार. षटकार मतलब सिक्सर. देयर इज एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन स्पोर्ट्स. इंग्लिश में काफी साहित्य है. सम टेलीविजन चैनल्स आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू स्पोर्ट्स. कुछ जो चैनल्स होते हैं, जैसे डीडी स्पोर्ट्स है, वो जो चैनल्स होते हैं वो स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए ही रखे जाते हैं और उन पर स्पोर्ट्स के ही मैचेस दिखाए जाते हैं अलग अलग. हमारे देश में तो क्रिकेट के भी स्पेशल चैनल्स हैं, क्योंकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी काफ़ी अधिक है. रिसेंटली सम मूवीज ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर्स हैव बीन रिलीज इन वेरियस लैंग्वेजेस. अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग मूवीज रिलीज हो चुकी है स्पोर्ट्स पर. ठीक है, जैसे चक दे इंडिया हॉकी पर है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द फिल्म्स मेरी कॉम एंड दंगल. दंगल है रेसलिंग पर, मेरी कॉम है ठीक है बॉक्सिंग पर. मेरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल. तो मेरी कॉम जो है पहली खिलाड़ी है, बॉक्सर है भारतीय, जिन्होंने ओलंपिक्स में सहभाग लिया और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता. दंगल इज अ बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स हु वेर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल्स एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस. तो फोगाट जो बहनें थी उनके ऊपर दंगल मूवी बनाई गई है, जिन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी स्टोरी, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ एटसेट्रा. देखिए, किसी भी खेल के बारे में अगर पता चलना हो, मूवी बनानी हो, तो उसके बारे में पूरा अध्ययन करना पड़ता है, उसकी पूरी डीप स्टडी करनी पड़ती है. जिस काल में वो प्लेयर्स थे, जैसे भाग मिल्खा भाग हुए, जो स्वतंत्रता काल में हुए, तो उनके बारे में, वो काल के बारे में पूरा, उस पीरियड के बारे में स्टडी करना पड़ता है, वो पीरियड पूरा सेट करना पड़ता है मूवीज में. उस जिस रीजन से वो आते हैं, जैसे भाग मिल्खा सिंह जो है वो पंजाब से आते हैं, या फिर फोगाट सिस्टर्स जो है वो हरियाणा से आती है, मेरी कॉम जो है वो मणिपुर से आती है, तो उनके लैंग्वेजेस कैसी है, उनकी संस्कृतियाँ कैसी है, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, वो सब कुछ स्टडी करके वो सब कुछ मूवीज में दिखाना पड़ता है ऑफ दैट पीरियड. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेंड
टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड. तो जो विद्यार्थी इतिहास के विद्यार्थी है, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स है, तो उन्हें इस क्षेत्र में फायदा होता है. जब ऐसे मूवीज बनती है तो उन्हें इस क्षेत्र में काफी स्कोप होता है. अगर अभी देखिए, आपने अगर रिसर्च किया मल्लखाम पर, और कोई अगर डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो मल्लखाम पर मूवी बनाना चाहता है, तो आप उनको काफी मदद कर सकते हैं और आपको उसके बदले में पैसे भी मिल सकते हैं. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशन लाइक एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन एक्सेट्रा. तो खेल के इतिहास का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है. कहाँ पर? जहाँ पर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखने हो या फिर स्पोर्ट्स मैगजीन में आर्टिकल्स लिखने हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है. स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, खेलकूद और उसका व्यावसायिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है. ऑल दो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अपीयर्स टू बी डिस्टेंट एज सब्जेक्ट्स, देर इज अ क्लोज टाई बिटवीन देम. देखिए, अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि खेलकूद और इतिहास का कोई संबंध नहीं है, ये दूर दूर से भी उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके बीच में काफी क्लोज रिलेशन है, उनके बीच में बहुत करीबी संबंध है. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. मतलब जो खेल की पत्रकारिता होती है, मतलब कई सारे लेख लिखने हैं, न्यूज़ पेपर्स में रिपोर्टिंग करनी है, या फिर न्यूज़ चैनल्स या फिर खेल के चैनल्स पर आपको एंकरिंग करनी है, तो उस जगह पर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री जो होते हैं, इतिहास स्पोर्ट्स के हिस्ट्री जानने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है. वन नीड्स टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल्स, रिव्यूज अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स और एशियाड और नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस. देखिए, किसी भी मतलब अगर आपको किसी खेल के बारे में लेख लिखना है किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो उसके बारे में उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या है. मतलब अगर आप क्रिकेट मैच के बारे में लिख रहे हैं, वर्ल्ड कप के बारे में, तो अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया बैट्समैन ने, तो उसके पहले का रिकॉर्ड किसके नाम पर था, उसने किस मैच में किया था, वो सब आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए. तो वो सारे रिकॉर्ड्स अगर आपको याद है तो आप अच्छे आपको जॉब मिल सकती है. एक्सपर्ट कमेंटेटर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस. तो इन सब में जो निपुण है, जो एक्सपर्ट है, ऐसे कमेंटेटर्स को काफी डिमांड होती है स्पोर्ट्स मैचेस के दौरान, जिसके मतलब दिमाग में सब कुछ जुबान पर हो, सारे रिकॉर्ड्स सारे बिल्कुल याद हो, उन्हें काफी डिमांड होती है. एन एक्सपर्ट कमेंटेटर नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, एमिनेंट प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स एटसेट्रा. तो जो अच्छा कमेंटेटर होता है उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो रिकॉर्ड्स है पहले के उसके बारे में, जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध प्लेयर्स है उनके बारे में भी पता होने चाहिए. रिलेटेड टू द कंसर्न गेम, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल फॉर देम. तो ऐसे लोगों के लिए खेल का इतिहास काफी उपयुक्त होता है. मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एटसेट्रा आर शोन लाइव ऑन टेलीविजन ऑन वेरियस चैनल्स. तो इनके मैचेस जो है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस वगैरह, ये जो है टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं लाइव. The role of professionals who track and keep the record of these telecasts from various channels has become very important now. तो जो लोग हैं ऐसे जो सारे मैचेस के रिकॉर्ड्स रखते हैं, बाइकी से सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, उन्हें लिख कर रखते हैं या कंप्यूटर में रखते हैं, तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है उनको. द स्पोर्ट्स चैनल्स कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक, 24 घंटे स्पोर्ट्स चैनल चालू रहते हैं. There are many professional opportunities available in this field. तो इसमें भी कई सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, जिन्हें खेल का नॉलेज है, खेल के हिस्ट्री का नॉलेज है, उनको काफी स्कोप है. रेफरीज आर एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस. रेफरीज मतलब अंपायर्स जैसे होते हैं, क्रिकेट में अंपायर जैसे होते हैं, वैसे रेफरीज बोलते हैं. तो ट्रेन रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस.
जिन्हें रेफरी बनना है प्रोफेशनली उन्हें कुछ एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है, उन्हें कुछ एग्जामिनेशंस देनी पड़ती है। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। जो भी वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एज अ रेफरी, एज पंच के तौर पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। शासन भी बहुत प्रयत्न कर रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो भी काफी प्रयत्न कर रहा है प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। देर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट्स पर्सन्स को कई सारे स्कॉलरशिप्स दी जाती है। देर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। उन्हें गवर्नमेंट नौकरियों में, जॉब्स में रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है। डू यू नो बाल जे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर इन क्रिकेट कॉमेंट्री। ये पहले भारतीय क्रिकेटर थे बाल पंडित जिन्होंने कॉमेंट्री शुरू की। पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। वो जब थे तब आकाशवाणी मतलब रेडियो पर वो बोलते थे, कमेंट्री करते थे, तो वो बहुत ज्यादा लोग जो है उनको कॉन्सेंट्रेशन से सुनते थे। हिज वेल स्टडीड कॉमेंट्रीज वेर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्ले ग्राउंड, करियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स, एनेक्डोट्स अबाउट द गेम एंड एस्टेब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ द गेम। तो उनके पास पूरा नॉलेज हुआ करता था, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, प्ले ग्राउंड का कैसा स्थिति है या फिर करियर हिस्ट्री कैसी है कौन से प्लेयर की वगैरह, उनके रिकॉर्ड्स क्या है वगैरह। हिज कॉमेंट्रीज यूज टू बी द एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ दीज हिस्टोरिकल डिटेल्स। तो उनके जबान पर यह सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी जो वो तुरंत देते थे, तो उसके कारण बहुत ही उनकी कॉमेंट्री जो थी वो एंटरटेनिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों।